तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं उन बच्चों के बारे में जो अपने आप में ही अद्भुत है। अलिसा क्रेमर की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने छोटी उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। वह दावा करती है कि उनके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी है और उस वजह से वे अपने दिमाग में शब्दों को 3 सेकंड या उससे कम समय में ही उल्टा कर सकती है। वह पूर्ण वाक्य को उल्टा करने में सक्षम है जिसमें कुछ ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। 14 साल की उम्र में ही उनका एक YouTube वीडियो वायरल हो गया था जिसके वजह से उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। उनकी इस प्रतिभा के कारण बड़े बड़े टॉक शोज़ में उन्हें इन्वाइट किया जाता है। एंड्री शफिरो अभी भी हाई स्कूल में है, फिर भी वह दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक हो सकते हैं। पुलअप्स ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, यहाँ तक कि वजन उठाने वाले जल्दी से थक जाते हैं। पर एंड्रू की एक अलग कहानी है जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए काफ़ी सारे विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। अपनी अद्भुत ताकत से एंड्रू ने 2018 में 10,020 पुलअप्स 20 घंटों से भी कम समय में करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। बेन अंडरवुड की कहानी वो है जो पूरी तरह स्ट्रेंथ और दृढ़ निश्चय में डूबी हुई है। बेन की कैंसर के कारण 3 साल की उम्र में ही उनकी आंखों को निकाल लिया गया था। इसके बाद उन्होंने डॉल्फिन के समान खुद को प्रतिध्वनि स्थान यानी इको लोकेशन सिखाना शुरू किया। यह एक छोटी क्लिकिंग साउंड है जो उसके चारों ओर की वस्तुओं से उछाली जाती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके आसपास क्या है और इससे उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में उन्हें समझ जाता है। वह दुनिया के एकमात्र इंसान है जो इस प्रकार की क्षमता रखते हैं। वो रास्ते पे चलते हुए कभी भी अपने हाथों का उपयोग नहीं करते। इको लोकेशन की मदद से बेन अपनी बाइक चलाने में, रोलर स्केट्स करने में और बास्केटबॉल खेलने में माहिर है। उनकी माँ हमेशा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सख्ती से पेश आई और कभी भी उन्होंने बेन पर दया नहीं दिखाई। इस रवैये से उनके बच्चे पर सकारात्मक असर पड़ा और वे आज जीवन का आनंद लेते हुए एक सकारात्मक और उल्लेखनीय जीवन जी रहे हैं। बेन और उसकी माँ हमेशा के लिए समाज में एक प्रेरणादायी स्थान रहे हैं। और जब बेन 16 साल के थे तब 2009 में उसी कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। एलिजाबेथ पैरेट किसी भी वर्ड्स के बारे में पढ़ सकती है जिसे आप उसके सामने रखते हैं। अगर वो 10 साल की होती तो ये प्रभावशाली माना जाता, लेकिन एलिजाबेथ के इतने आश्चर्यजनक होने का कारण यह है कि वो केवल 17 महीने की है। उसके माता पिता दोनों भी स्पीच पैथोलॉजिस्ट है और उसकी माँ का यह मानना है कि जन्म के बाद से वह अपने बेटी से बात करने के लिए सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती थी। यही कारण है कि वयस्कों की तुलना में वह बेहतर पढ़ सकती है, जो न केवल किताबों के शब्दों को याद कर रही है बल्कि उन्हें वास्तव में सीख रही है। इतनी कम उम्र में यह भारतीय लड़का पहले से एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है। सिर्फ 7 साल की उम्र में अमृत जसवाल ने अपने पहले मरीज की सफलतापूर्वक सर्जरी की थी। एक गरीब परिवार जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं था, उन्हें अपनी बेटी के ऑपरेशन की आवश्यकता थी। अकृत को पहले से ही पूरे भारत में एक युवा चिकित्सा कौतुक के रूप में जाना जाता था, इसलिए उन्होंने मौका लिया और उसे सर्जरी करने दिया। उन्होंने एक छोटी लड़की की उंगलियों को अलग कर दिया जिसका हाथ आग में जल गया था। 12 साल की उम्र में अकृत को मेडिकल स्कूल में प्रवेश दिया गया था और 20 साल की उम्र होने पर उनका मास्टर्स इन अप्लाइड केमिस्ट्री पूरा हो गया था। उनका IQ 146 है जो कि काफ़ी प्रभावशाली है। फिलहाल वह ओरल जेनेथेरेपी का उपयोग करके कैंसर का इलाज खोजने का काम कर रहे। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और चैनल के बारे में सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।